बाहर से दुर्वासा से सुने सुने अनुराग दिया है पत्नी मोहब्बत प्यार दिया है अर्धांगिनी को स्वयं त्याग दिया हो और स्वयं भस्म भी कर दिया हो, किसी ने अपना सर काट के दिया हो, अपने प्राणों को त्याग दिया हो, अब सुने सुने छोड़ दिया। अब देखिए कौन है जो अपने परिवार से दूर जाना चाहेगा, कौन है, विचार करिएगा। श्री राम से लागी लगन छोड़ के आया अपने परिवार छोड़ नहीं सकता, लेकिन उन्होंने परिवार त्याग किया। देख लीजिए ये तीनों त्याग जीवन से ही जुड़े हुए हैं। बेटा आराम सुने आप लोग, रोशनी मुझे मालूम है इस गीत को आप अपने अंदाज में गाइएगा, मैं अपने अंदाज में गाने जा रहा हूँ। और क्या सुने सुने आपके गीत को परिवार की ओर आने लोग दे ही सकते बस। राम जलाओ के लिए समय कुछ है, जहाँ हो तुम गीत गाओ। हाय बढ़िया है आप लोग भी सुने, तो भाई रिंकू भाई भैया सब लोग सुने, इस गीत में आनंद आएगा। एक गीत बजा था, आराम से बजाओ बेटा, इतनी तेज क्यों बजाते हो, चमड़ा फट गया। किताबे दिल
जो दिल नैनों से ओ
मन उपवन मेरा चल रहा मन उपवन मेरा चल रहा का तीर पीने मर जाना मर जाना मेरा अच्छा यू मर मर के प्रभु राम वनवासी भेष में वनवास जाने लगे। राजा लखन और सीता के साथ दशरथ जी व्याकुल हो रहे हैं क्योंकि राम मोरे राम भरत की आंखी लेकिन उनमें से भी राम से ज्यादा स्नेह प्यार था। जब वो जाने लगे तो दशरथ कहने लगे कि अरे कोई तो हो जो मेरे राम को रोक ले, चला जाएगा। तभी उनकी नजर कह कही पर पड़ी तो कह कही की तरफ देख कर क्रोध में कहने लगे दशरथ लाजरा सम्मान इस कुल का माटी में मिलाया है। दशरथ कहने लगे कह कहीं से कि आज तूने मेरा मान सम्मान माटी में मिला दिया, इसलिए सुन सुन हो गई में वफा पुत्री हो गई आज अपने नगीने से हो गई बेवफा मुंदरी हो गई बेवफा मुंदरी आज अपने नगीने से जाना मेरा अच्छा यू मर मर के जीते।
चले गए। अब आखिरी बात देखे, जब सीता का रूप धारण कर माता सती ने प्रभु राम की परीक्षा ली तो शिव संकल्प की मनमाही सती भेद नाही, माता का त्याग कर दिया भोले बाबा ने। माता रानी समझ गई कि भोले बाबा ने तो मेरा त्याग कर दिया है। अरे पिता के यज्ञ में जाकर अपने आप को योग आग में खर्च करना ये मात्र एक बहाना था, वास्तव में जो हकीकत थी वो माता सती अपने मन में विचार कर रही है कि मेरे पति ने ही मेरा त्याग कर दिया है तो इस जीवन का क्या मतलब है, सोच रही है मन ही मन। मंदिर मन मूरत संग हुआ ओझल, मन मन मंदिर है सीने से मूरत संग हुआ ओझल, मूरत संग हुआ ओझल, मन मन मंदिर है मर जाता मेरा अच्छा यो पर मर के आशा करता हूँ कि हर एक बात आप लोगों की समझ में आई होगी। अब अपनी ओर से एक प्रिंट गीत गाने का प्रयास कर रहा हूँ, सुनिए सुनिए। हालांकि ये जो अपनी धुन है मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा दूसरी जी के मुझसे लगेगा, इस बात का पूरा विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को, लेकिन फिल्मी धुन सुने आप। किसका बुझा रही हूँ मुझको, फिल्मी धुन कह रहे हैं क्या, समझा रही है मुझको बाबुल से मांग ले उसको, घर अपने ले चल सजना टोली में बिठा के उसको, टोली में बिठा के उसको, कि तो फूल ना खिले तो फूल ना खिले तो सावन बजान देगा, तो फूल ना खिले तो आंगन बजान देगा, चूड़ी मजा न देगी, मजा न देगी।
अरे पहले आतंकियों को सजा दे, फिर कश्मीर सजा दे, आतंकियों सजा दे, फिर कश्मीर सजा दे, आता है। प्रतीक्षा कीजिए, हमारी सेना पीओके में घुस जाए, पीओके में घुस जाए, शासन अगर रजा दे, आतंकियों को सजा दे, फिर कश्मीर सजा दे। ये भैया जी की ओर से 21 पत्र मुद्राएं प्राप्त हुई है, कोट बंदर है। और मैं ये कहना चाहूंगा, जो टाइम मुझसे ज्यादा लगा है काम विराम लिया, कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ हिस्सा उसमें माइनर कम से कम समय में देने का प्रयास करूंगा। आ रही है रोशनी अंजान जी, ये सम्माननीय आदरणीय प्रधान जी, इस ग्राम सभा के आदरणीय श्याम मुरारी जी, आपकी ओर से इन पंक्तियों पर एक से एक मुद्राएं प्राप्त हुई है, कोट कोट नमन है, वंदन है आपका। आमंत्रित करता हूँ रोशनी को आ रही फसल एवं साथियों के साथ। हेलो।